प्रिय साथियों, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल में हम आपको गणित सब्जेक्ट में महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराने जा रहे हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो आप ध्यान से इनको देखेंगे। जो भी प्रश्न हम सॉल्व करवाते हैं, वो सब आपके परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आए हुए होते हैं और ऐसे ही प्रश्नों को हम आपको सॉल्व करवाते हैं। इधर उधर के प्रश्न नहीं लेते, क्योंकि इतना समय भी नहीं है, आपको तैयारी करना है और परीक्षा देना है। तो आप अच्छे से अच्छे लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करें, जो परीक्षा में आए हुए हैं, जिनसे आपको ये लगे कि हाँ, हमको कुछ ज्ञान हो रहा है, अब हम गणित में परफेक्ट हो रहे हैं और गणित में सभी तरह के प्रश्नों को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो बस आपके इसी बेस को मजबूत करने के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में रेखाखंड एक्स वाई त्रिभुज ABC की भुजा AC के समांतर है जो त्रिभुज ABC को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है तो AX और AB का अनुपात क्या होगा? देखिए, हम आपको अपने इस प्रैक्टिस सेट में सब तरह के प्रश्नों को लेकर आते हैं, जो मैथ में उच्च लेवल के प्रश्न हों और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हों। इसलिए आप देखेंगे, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है, कई परीक्षाओं में आया हुआ है, टेट में भी आया हुआ है और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो आप देखिए, पहले मैथ में मैंने आपको समझाया है कि मैथ में सबसे पहले आप प्रश्न को खूब अच्छे से पढ़ें और पढ़कर उसे समझने का प्रयास करें, क्योंकि जब आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, तो बड़े आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, और जब समझ नहीं पाएंगे आप, तो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे आप। तो चलिए देखिए, संलग्न चित्र में, अब यहां अभी देखिए, संलग्न चित्र की बात है, तो चित्र चलिए हम बना लेते हैं। चित्र, संलग्न चित्र का ही मतलब है कि आपको चित्र दिया गया है और इस प्रकार से फिगर है। त्रिभुज ABC में रेखाखंड XY
रेखाखंड XY जो है त्रिभुज ABC की भुजा AC के समांतर है। तो भुजा देखिए AC ये है, AC जो भुजा है इसका आधार है। भुजा AC के समांतर, समांतर आप जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए, समांतर का मतलब होता है समान अंतर। समान अंतर का मतलब देखिए ये एक रेखा है, एक रेखा ये है, इन दोनों के बीच समान अंतर है तभी ये दोनों समांतर समांतर हैं या समान अंतर हैं। अब इन दोनों के बीच समान अंतर कहाँ होगा ये देखिए, यहाँ से यहाँ के बीच जो डिफरेंस है, मतलब ये जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है यही सेम डिफरेंस यहाँ भी है और यही सेम डिफरेंस यहाँ भी है, हर जगह ये सेम डिफरेंस है। तो समान अंतर की दूरी पर रेखा है इसलिए समांतर रेखा है, समझ रहे हैं आप। और रेखाखंड XY जो है वो AC के समांतर है। तो समांतर का मतलब है समान अंतर, मींस इनके बीच का अंतर समान होगा, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करेंगी। जैसे हम अगर इसको आगे इन रेखाओं को ऐसे आगे बढ़ाते जाएं तो ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तभी हम कह पाएंगे कि ये दो रेखाखंड या दो रेखाएं समांतर हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, XY त्रिभुज ABC की भुजा AC के समांतर है। तो आप देखिए अपने फिगर में ABC त्रिभुज है, इसमें जो AC भुजा है आधार है हमारा, इसके समांतर है XY रेखाखंड। अब हम देखें जो त्रिभुज ABC को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन को आप समझिए कि त्रिभुज जो ABC है, ABC मीन्स ये पूरा त्रिभुज, ये त्रिभुज जो है ABC उसको रेखाखंड XY जो है वो क्या कर रहा है, दो बराबर भागों, दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित कर रहा है। इसका मतलब जो दो पार्ट हुए हैं वो दो पार्ट देखिए क्या क्या हैं और किस आकार में है, आप समझने का प्रयास करिए। चलिए देखिए ये जो दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट ये है और सेकेंड पार्ट ये है। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट जो है एक ट्रायंगल बना रहा है, क्या एक्स बी वाई या एक्स वाई बी, एक ट्रायंगल बन रहा है। और दूसरा जो पार्ट है वो क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है, एक्स ए सी वाई या एक्स वाई ए सी या एक्स वाई सी ए। तो एक्स ए सी वाई जो बन रहा है ये एक चतुर्भुज है और ये एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज और चतुर्भुज के दो भागों में इस ABC त्रिभुज को XY रेखाखंड विभाजित कर रहा है। लेकिन आपको क्वेश्चन में जो बताया जा रहा है कि त्रिभुज ABC को जो XY रेखाखंड है वो त्रिभुज ABC को दो बराबर क्षेत्रफल वाले, मतलब इसका क्षेत्रफल इक्वल टू इसका क्षेत्रफल। अब ये क्या है, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, ये जो चतुर्भुज है दोनों का सेम है क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन में आपको बताया गया है। अब उसके बाद देखिए क्या है, तो AX और AB का अनुपात क्या होगा, AX और AB का आपको अनुपात बताना है इसी के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम जो हमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम पहले सॉल्व करना शुरू करें। तो देखिए यहाँ जो है रेखाखंड XY त्रिभुज ABC को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब है दोनों के क्षेत्रफल समान होंगे। किनके दोनों के क्षेत्रफल, जो आपके दो आकार बन रहे हैं, कौन कौन से दो आकार, एक त्रिभुज जो है आपका XBY या XYB और दूसरा जो चतुर्भुज है XACY। तो ये जो दोनों हैं ये क्या हैं, ये दोनों के क्षेत्रफल समान हैं। अब यहाँ देखिए जो हमको क्वेश्चन बताया गया है वो ये बताया गया है कि रेखाखंड XY जो है, रेखाखंड XY समांतर है किसके, AC के, ये हमें बताया गया है तो हमने लिख लिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो दो आकृतियां बन रही हैं विभाजित करने के बाद, वो बन रही है एक त्रिभुज और एक क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। तो त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों का क्षेत्रफल जो है क्या है, सेम है। तो हम देखेंगे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज है, XYB,
एक्स वाई बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख लें, प्रश्न के अनुसार है एक्स वाई बी, त्रिभुज एक्स वाई बी का क्षेत्रफल इक्वल टू चतुर्भुज एक्स ए सी वाई का क्षेत्रफल। चलिए अब देखिए आप कि एक्स वाई बी ट्राइंगल एक्स वाई बी का जो क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर वो ये चतुर्भुज आपका एक्स ए सी वाई का क्षेत्रफल के बराबर है। तो अब देखिए जब क्षेत्रफल जब दोनों का जब क्षेत्रफल सेम है तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वो हमने लिख दिया। उसके बाद अब ये देखें कि जो एक्स वाई बी का क्षेत्रफल है वो इक्वल टू किसके है, जो पूरा त्रिभुज है मीन्स ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का आधा। इस बात को भी आप समझिए क्योंकि हमें ये प्रश्न में बताया गया है कि इनको दो भागों में विभाजित कर रहा है और दो बराबर क्षेत्रफल वाले, आपने देखा दो बराबर क्षेत्रफल वाले, बराबर मीन्स आधा ये और आधा ये, तो इसके बराबर इस पूरे का आधा ये आकार है, ये हमको समझना है। और यही यहाँ लिखा गया है कि एक्स वाई बी का जो क्षेत्रफल है वो चतुर्भुज एक्स ए सी वाई के क्षेत्रफल के बराबर है और एक्स वाई एक्स ए सी वाई जो चतुर्भुज है ये कहाँ बन रहा है, ये त्रिभुज ए बी सी में बन रहा है, तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है उसका आधा ये चतुर्भुज है और आधा क्षेत्रफल ये है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर आधा क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ए बी सी का। तो आप इसको समझ गए होंगे, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका मतलब हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ट्राइंगल एक्स वाई बी का क्षेत्रफल बटा, इसको हम इधर ले आए क्रॉस क्रॉस में जब करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा नीचे और हो जाएगा क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू यहां क्या बचेगा, 1/2 बचा, ये तो इसके नीचे आ गया, इस पार्ट के नीचे मतलब दाहिनी हाथ में जो गुणा में था वो इधर भाग में आ गया, तो उधर बचा 1/2। तो एक्स वाई बी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2। तो ये सही भी है कि ये दोनों आधा हैं एक दूसरे के और 1/2 एक और दो के अनुपात में 1:1 में बटे हुए हैं, अब इसके अकॉर्डिंग आपको मिल गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब जो है हम देखते हैं कि इतना करने के बाद, हाँ देखना ये है, इतना करने के बाद जो है आप ये देखेंगे कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं, कौन कौन से दोनों त्रिभुज, त्रिभुज एक्स वाई बी और त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों क्या हैं, समरूप त्रिभुज हैं, त्रिभुज एक्स वाई बी और त्रिभुज ए बी सी ये दोनों क्या हैं, समरूप त्रिभुज हैं, त्रिभुज चूंकि त्रिभुज एक्स वाई बी व त्रिभुज ए बी सी में समरूपता है चाहे या समरूप त्रिभुज हैं, अतः प्रमेय से, इसका प्रमेय है और प्रमेय क्या है, प्रमेय है कि एक्स बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ये प्रमेय है। इसके अकॉर्डिंग हम जो है देखते हैं, प्रमेय से ऐसा हो गया और अब हम देखेंगे कि जब हम एक्स बी अपॉन ए बी करेंगे, एक्स बी अपॉन ए बी जो हमने यहां लिखा है इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल इसका निकालना पड़ेगा, अंडर रूट 1/2 हो जाएगा। आप देखिए एक्स बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/1
रूट टू हो जाएगा, क्योंकि वन का तो वर्गमूल वन हो जाएगा, वन इंटू वन इज इक्वल टू वन ही होगा, वन का स्क्वायर भी वन होगा, तो इसके लिए इसका वर्गमूल वन हो गया, लेकिन टू का वर्गमूल आप नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए रूट टू आपने वर्गमूल उसमें लगाकर लिख दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक्स बी क्या है। एक्स बी इज इक्वल टू, एक्स बी देखिए कहाँ है इस फिगर में, एक्स बी ये है, एक्स बी इज इक्वल टू क्या है, एक्स बी इज इक्वल टू ए बी माइनस एक्स बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए एक्स आप लिख सकते हैं। एक्स बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस माइनस ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू, आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद अब दोनों में आप जो है वन माइनस कर लें, या थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, चलिए हम इसको इस प्रकार से करें, इसको कर लें हम चलिए देखते हैं, एक्स बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू हो गया। अब हम देखते हैं इसके बाद एक्स बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू जो हुआ है, हम इसको सॉल्व करने के लिए वन माइनस एक्स बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन रूट टू के फॉर्म में लिख लें। चलिए देखते हैं इसके बाद अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो जब एलसीएम लेंगे तो ए बी बन जाए ए बी माइनस एक्स बी अपॉन ए बी पूरे का अपॉन हो जाएगा ए बी इक्वल टू, इधर भी इसी तरह सॉल्व करें तो रूट टू बन जाए रूट टू माइनस वन अपॉन पूरे के नीचे अब रूट टू हो जाएगा एलसीएम, तो इस प्रकार से हम इसको नोट कर सकते हैं। लेकिन अब आप देखें ए बी माइनस एक्स बी देखिए ए बी कहाँ है, ये है ए बी माइनस एक्स बी। देखिए हम क्यों ऐसा कर रहे हैं इसको भी समझिए, हमको चाहिए ए एक्स और ए बी का अनुपात, तो ए बी तो नीचे दिया हुआ है, ए बी तो पहले से ही है क्वेश्चन में, और हमें चाहिए ए एक्स जो ए एक्स है ही नहीं, अनुपात मीन्स अपान मैंने आपको समझाया था, तो अनुपात को आप समझिए कि अपान अपान तो है लेकिन ए बी है, लेकिन इसके अनुपात में एक्स भी है, जबकि हमें क्या चाहिए ए एक्स चाहिए, तो ए एक्स अनुपात प्राप्त करने के लिए हमने ये ट्रिक लागू किया अपना कि हम वन माइनस इसको जब करेंगे तो ए बी माइनस एक्स बी होगा, और जब ए बी माइनस एक्स बी होगा तो ए बी माइनस एक्स बी जब करेंगे, ए बी ये पूरा है, इसमें से जब एक्स बी को घटाएंगे तो बचेगा ए एक्स, तो उसकी जगह पर हम चाहें तो ए एक्स लिख सकते हैं, ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू। देखिए हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार ऐसा किया। अब देखिए ए एक्स और ए बी का अनुपात हमें चाहिए था, ए एक्स अनुपात ए बी हमें मिल गया, हम इसको अब लिख सकते हैं ए एक्स अनुपात ए बी इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन अनुपात रूट टू, ये इसका आपको रिजल्ट मिल गया, ए एक्स अनुपात ए बी इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन अनुपात रूट टू। मैंने आपको समझाया था कि अपान मीन्स अनुपात भी आप समझिए, और अनुपात मीन्स अपान समझिए, जरूरत पड़ने पर हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो हमें ए एक्स और ए बी का अनुपात चाहिए था, ए एक्स और ए बी का अनुपात हमें मिल चुका है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, पहले इसको हम इरेज कर लें। आपको मेरे इन प्रैक्टिस सेटों में सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के मिलेंगे और सब महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, क्योंकि हमने बहुत अच्छे प्रश्नों का संग्रह किया है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 2003 का प्रथम दिन, वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था, वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा रहा होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी परीक्षाओं में कैलेंडर का एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो देखिए आप अच्छे से इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, और फिर इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा तो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था, वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा रहा होगा ये आपको बताना है। तो हम पहले देख लें कि एक वर्ष, यहाँ वर्ष की बात है और दिन की बात है, तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। चलिए अब हम इसको जरा सप्ताह में बदलें। सप्ताह में बदलने के लिए क्या करें, हम 7 से भाग दे दें 365 को, 7 × 5 = 35, एक बचेगा और 5 ले आएंगे, फिर 7 × 2 = 14, फिर एक बचेगा, ये शेष बच रहा है। तो आप देखिए कि 365 दिन का मतलब हुआ 52 सप्ताह। एक दिन शेष जो बचा हुआ है, इसी प्रकार से आप देखेंगे यदि एक लीप ईयर है तो, एक लीप ईयर है तो 366 दिन का होगा, सप्ताह कितने होंगे 52 और जो दिन होंगे वो जब 365 था तो एक है 366 हो जाएगा, तो 2 दिन शेष हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा एक चीज और ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि ये साधारण वर्ष है और ये लीप ईयर का वर्ष है। तो साधारण वर्ष और लीप ईयर में आपको एक चीज का ध्यान देना है कि साधारण वर्ष में शुरुआत का जो दिन रहता है वही वर्ष के अंत का भी दिन रहता है, मतलब शुरुआत का दिन और अंत अंतिम दिन दोनों जो है सेम होंगे। तो इसको नोट कर लें हम, ताकि आप देख सकें और आप नोट भी कर सकें। साधारण वर्ष में प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा
साधारण वर्ष में प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होते हैं। तो साधारण वर्ष जो है हमारा 2003 को हम पहले देखें, सन 2003 या वर्ष 2003 कैसा वर्ष है, लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है। तो आप क्या करें, लीप ईयर या साधारण वर्ष समझने के लिए आप चार से इसको भाग दें, चार से भाग देंगे, चार पंजे 20 और फिर जीरो होगा, फिर तीन में चार से भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, ये साधारण वर्ष है। तो वर्ष 2003 में प्रथम दिन क्या था, प्रथम दिन बुधवार है, सॉरी वर्ष 2003 का अंतिम दिन क्या होगा, बुधवार होगा। ये मैंने आपको समझाया अभी, क्या समझाया था मैंने आपको, साधारण वर्ष में प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होते हैं। तो साधारण वर्ष वर्ष 2003 है, ये साधारण वर्ष है और इसका प्रथम दिन यदि बुधवार है तो इसका अंतिम दिन भी बुधवार होगा। अब देखते हैं वर्ष 2004, वर्ष 2003 के बाद वर्ष 2004 आएगा और वर्ष 2004 का प्रथम दिन, देखिए एक शेष बचा था और वर्ष 2004 का जब प्रथम दिन आएगा तो फिर बुधवार से बृहस्पतिवार हो जाएगा, तो प्रथम दिन हो गया बृहस्पतिवार। और वर्ष 2004 क्या है देख लें, वर्ष 2004 को अगर चार से हम भाग दें तो वर्ष 2004 को जब चार से भाग देंगे, चार पंजे 20, जीरो और चार एक कम चार, चार से ये विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि प्रथम दिन अगर इसका बृहस्पतिवार है तो फिर इसका अंतिम दिन बृहस्पतिवार नहीं हो सकता, क्योंकि ये साधारण वर्ष में ऐसा होता है। तो आप देखेंगे वर्ष 2004 का अंतिम दिन क्या हो जाएगा, एक दिन और इसमें बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार से शुक्रवार हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं वर्ष 2005 का प्रथम दिन, वर्ष 2005 का प्रथम दिन क्या हो जाएगा, फिर शुक्रवार से शनिवार हो जाएगा। और वर्ष 2005 का अंतिम दिन, देखिए आपको वर्ष 2005 का अंतिम दिन बताना है, तो वर्ष 2005 का, वर्ष 2005 है क्या, आप देख लीजिए पांच से चार से इसको भाग देकर, सॉरी चार से आप भाग देंगे तो चार पंजे 20, जीरो और चार एक कम चार, एक शेष बच रहा है, पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है। जब पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है तो फिर ये साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में प्रथम व अंतिम दिन समान होते हैं, इसलिए इसका प्रथम दिन अगर शनिवार है तो इसका अंतिम दिन भी शनिवार होगा।
देख रहे हैं आप बड़े आसानी से इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया कि 2005 का अंतिम दिन शनिवार होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब पहले इसको इरेज कर लें। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः पैंतीस सेंटीमीटर कॉमा 54 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है इसके सबसे बड़े शीर्षाभिलंब इसके सबसे बड़े शीर्षाभिलंब की लंबाई क्या होगी आपको बताना है। हम देख लें, एक त्रिभुज बना लें और इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज बना लिया। ये 54 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा त्रिभुज का आकार उस हिसाब से गड़बड़ हो गया है। ये 54 है और ये 35 दिया हुआ है और ये 61 सेंटीमीटर है। चलिए, ये हमारा ट्रायंगल है, त्रिभुज है और हम देखें कि त्रिभुज जो है हमारा वो 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर वाला है। तो 54 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर वाला हमने त्रिभुज बना लिया। इसके सबसे बड़े शीर्षाभिलंब की लंबाई हमें ज्ञात करना है कि इसके सबसे बड़े शीर्षाभिलंब की लंबाई क्या होगी। लेकिन देखिए, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें थोड़ा सा जो रेखागणित से संबंधित हैं उनको माइंड में रखना होगा। और रेखागणित से संबंधित ये है बात, इसके लिए हमें ज्ञात है कि हमें क्या ज्ञात है इसमें, जिस चीज की हमें जरूरत है, हमें ज्ञात है कि सबसे छोटी भुजा इसमें कौन सी है। सबसे छोटी भुजा ये है, सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा के सम्मुख कोण ये है ए,
सबसे छोटी भुजा के सम्मुख कोण से खींचा गया सबसे छोटी भुजा के सम्मुख कोण से सबसे छोटी भुजा पर भुजा पर खींचा गया सॉरी अभिलंब सबसे बड़ा शीर्षाभिलंब होता है। हमें इस बात को ध्यान रखना है, हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि सबसे छोटी भुजा के सम्मुख कोण से सबसे छोटी भुजा पर खींचा गया अभिलंब सबसे बड़ा शीर्षाभिलंब होता है। तो सबसे छोटी भुजा इसमें क्या है, BC, और इससे इसके सम्मुख कोण ये है, और इस कोण से खींचा गया अभिलंब इस प्रकार से हो जाएगा, जो यहां 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और यही शीर्षाभिलंब सबसे बड़ा शीर्षाभिलंब होगा। और हमें ज्ञात भी करना है इसके सबसे बड़े शीर्षाभिलंब की लंबाई क्या होगी। तो सबसे बड़ा शीर्षाभिलंब AC है, सॉरी AD है, इसको D हम मान लें, AD है इस प्रकार से। तो AD की ही हमें लंबाई ज्ञात करनी है। हम AD की लंबाई जो निकालेंगे, अब वो देखिए आपने एक पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, उसका उपयोग करेंगे, लेकिन उसके उपयोग के लिए हमें कम से कम दो भुजाओं की माप दी गई हो। लेकिन अगर हम अब इसमें देखें तो दो ट्राइंगल बन गया ADB और ADC, लेकिन इसमें इस पूरे BC की तो जो है लंबाई हमें दी गई है, लेकिन किसी एक पार्ट की हमें नहीं दी गई है। तो हम मान लें कि इस पार्ट की लंबाई एक्स हो गई। इस प्रकार से आप मान लें कि माना BD की जो लंबाई है, ये जो BD है, BD की लंबाई x हो गई। तो चलिए अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज इसके लिए भी करें और इसके लिए भी करें। दो ट्राइंगल में ये विभक्त हो गया है, इस शीर्षाभिलंब ने इस ट्राइंगल को, त्रिभुज को, दो त्रिभुज में विभाजित कर दिया है, और दोनों त्रिभुज का ये जो लंब है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों में कॉमन है। तो हम जब दोनों में कॉमन है तो ये दोनों के लिए सेम है और इक्वल है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। हम अब देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम ये है, क्या है थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, AB² + BC²। AC² उसमें सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो आप देखेंगे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, अगर हम ऐसे इस त्रिभुज को लें तो ये बेस हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, विलंब है ही ये, और ये जो है कर्ण हो जाएगा। तो AB² इसके अकॉर्डिंग जो हम देखेंगे त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में हम देखें तो AB² = देखिए हमें निकालना AD है, तो हम चाहे AD² लें, चाहे पहले आप जो इसके अकॉर्डिंग आप कर लें, इसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो कर्ण इसमें क्या है,
ए डी बी में कर्ण है ए बी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर। लेकिन हमें जरूरत है ए डी की, क्योंकि सबसे बड़ा सिरसा विलंब निकालना, सबसे बड़ा सिरसा विलंब यही होता है और हमने सिरसा विलंब खींच दिया है, तो यही अभिलंब की हमें माप निकालनी है ए डी की। तो ए डी इज इक्वल, हम ए डी को अब किनारे रखेंगे क्योंकि हमको ए डी की जरूरत है, तो हम ए डी इधर रखेंगे या ए डी को उधर रहने दें, कैसे भी करें, अगर ए डी को हम ए डी निकालना है तो उसे हमें इक्वल के एक तरफ अकेले करना होगा। तो देखिए ए डी जो है अभी बी डी स्क्वायर के साथ में है, तो जब हम इसको पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो अब ए बी आपके पास है, ए बी कितना है, ए बी इज इक्वल टू 54 माइनस बी डी, बी डी कितना है, बी डी है एक्स। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 54 का स्क्वायर का मतलब है 54 गुणा 54, कर लें आप ऐसे 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 पंचे 20 और 1 21, फिर 5 चौक 20 का 0, 5 पंजे 25 और 1 26। इस प्रकार से आप लिख लेंगे 5 चौक 20 का 0 हासिल 2 और 5 पंजे 25 और 2 27, ये 6, 1, 7, 2, 9 और 2, 2916 आ गया, 2916 ऋण एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ये तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू इस त्रिभुज से निकल गया। चलिए अब हम आगे देखें, आगे अब हम दूसरे त्रिभुज को ले लें, दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ए डी सी, ये त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में हम देखें तो त्रिभुज ए डी सी से क्या होगा, ए डी स्क्वायर, अगर हम अब चलिए डायरेक्ट ऐसे ही ए डी स्क्वायर हम लिख लेते हैं, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। इसी के अकॉर्डिंग जैसे ये हुआ है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना माइनस, मीन्स कर्ण सबसे बड़ी भुजा ए सी स्क्वायर में से घटाएंगे क्या चीज, डी सी स्क्वायर, तो ये सी डी स्क्वायर, तो वही हमने किया है। अब ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो ए सी कितना है 61 का स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, सी डी कितना है, सी डी, देखिए सी डी हम कैसे निकालेंगे, सी डी को निकालने के लिए पूरे में से एक्स को माइनस कर दें, मतलब बी डी को माइनस करें, तो बी सी माइनस बी डी जब हम करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, सी डी, तो सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी माइनस बी डी। तो बी सी क्या है, बी सी पूरा कितना है 35 सेंटीमीटर और माइनस बी डी कितना है एक्स सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। आप सी डी की जगह पर लिखेंगे 35 माइनस एक्स सेंटीमीटर, इस प्रकार से आप लिख देंगे। चलिए अब हम इसे और सॉल्व करें, आगे आगे हम देखते हैं ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 61 का स्क्वायर का मतलब उसी तरह से आप 61 इंटू 61 कर लेंगे, 1 जा 1, 1 6 जा 6 और 6 कम 6 और 6 छंग 36, 1 6 6 12 का 2 हासिल 1, 7 और 3, देख रहे हैं 1 6 6 12 का 2 हासिल 1, 1 और 6 7 और 3 3721, 3721 माइनस 35 माइनस, देखिए हमने सी डी की जगह पर लिखा है
CD की जगह पर क्या आया है, 35 माइनस एक्स, तो CD स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर नहीं किया, यहां स्क्वायर करना होगा। अब क्या करेंगे, 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ये, और 35 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को हम, एक फॉर्मूला है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लें, तो a स्क्वायर मीन्स 35 का स्क्वायर और माइनस 2ab मीन्स 35 इंटू एक्स और प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर, ये हमने कर लिया। इसके बाद अब हम इसको सॉल्व और करें आगे, तो ad स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 35 का भी हमें स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो 35 का स्क्वायर हम कर लें, जैसे इसको किया है 61 का वैसे ही हम 35 का स्क्वायर कर लें। 35 इंटू 35 और 5 5 जै 25, 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17 और 3 से 5 में करेंगे 3 5 15 और 3 का 9 और 1 10, 3 3 9 और 1 10 हो गया। चलिए अब इसको हम ऐड कर लें, फिर से देख लीजिए आप, 5 5 25 5 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17, 3 5 15 5 हासिल 1, 3 का 9 1 10। अब इसको ऐड कर लें 5 और 7 5 12 का 2 हासिल 1 और 1 2, और इस प्रकार से 1225 आ गया। कितना हो गया, माइनस 1225 ऋण 2 से इसको गुणा करें, 35 दूना 70 हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते, सॉरी इसको हम अभी ब्रैकेट में ही रखेंगे। चलिए अब आगे देखेंगे, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3721। अब देखिए जब किसी ब्रैकेट के पहले अगर माइनस हो तो हम जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो या तो अंदर के सारे चिन्ह बदलें, ये हम समझ लें कि अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, या फिर ऐसा करें कि हमें माइनस से, देखिए माइनस और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई है, तो माइनस से हम अंदर गुणा करेंगे, तो माइनस इंटू यहाँ प्लस है इज इक्वल टू माइनस 1225, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस और 70x, और माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट आपका खुल गया। लेकिन आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे ब्रैकेट खोलने पर। देखिए ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब देख लीजिए जो मैंने गुणा किया उसको थोड़ा सा हम आपको लिख दे रहे हैं समझने के लिए, कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है और प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है और माइनस सॉरी प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है। मतलब अगर दोनों साइन सेम हैं, जैसे ये दोनों सेम हैं और ये दोनों सेम हैं, और सेम साइन का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस ही आएगा, और अगर अलग अलग हैं तो उनका मल्टीप्लाई करने पर माइनस आएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया है। चलिए अब देखते हैं इसको हम सॉल्व करें, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखेंगे ये ज़्यादा है ये कम है तो इससे हम कम वाला घटा देंगे, 1 में से 5 घटेगा नहीं, तो आप कैरी लेंगे 11 11 से जब 11 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ एक है एक कैरी और लिया तो हो गया 11 11 में से जब 2 घटाएंगे तो बचेगा 9, और फिर ये क्या हो गया 6, और 6 में से जब 2 घटाएंगे तो बचेगा 4, और यहाँ जो है 3 है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। उसके बाद क्या हुआ 70, देखिए हमने ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू हम निकाल रहे हैं, तो अभी हम इसको ऐसे ही, ये तो सॉल्व हो गया, उसके बाद जो बचा है उसको हम ऐसे ही नोट कर लेंगे ये। लेकिन अब देखिए कि हमने जो सॉल्व किया है ये ए डी स्क्वायर, इसमें लिखा नहीं गया, अच्छा ये ए डी स्क्वायर इक्वल टू इतना है और यहाँ ए डी स्क्वायर इक्वल टू इतना है,
तो ए डी ये भी है, ए डी स्क्वायर ये भी ए डी स्क्वायर है, इसका मतलब ये दोनों सेम हैं, तो ये दोनों वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू, हम इनको इक्वेशन नंबर वन का नाम दें और इक्वेशन नंबर टू दे दें समीकरण नंबर दो, और समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो को हम जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इतना बराबर इतना, या इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसी को नोट कर ले रहे हैं, 2916 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू ये निकली है, इस वैल्यू को हम ए डी स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं। अब हम देख लें 2000 अब इक्वल हमें, हाँ ठीक है, इक्वल हम लगाएंगे और ए डी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे 2496 प्लस 70x प्लस 70x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपने नोट किया जो यहाँ था वो आपने ए डी स्क्वायर की जगह पर ये पूरी वैल्यू आपने लिख दी। अब देखिए ये वैल्यू इसके इक्वल हो गई है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करने पर हमें क्या मिलेगा, 2916 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 2496, और ये इधर आएगा तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम रहने देते हैं, 70x को यहीं रहने दे रहे हैं। चलिए अब देखते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट गया, ये कट नहीं गया, घट गया है, लेकिन अब हम इसलिए इसको काट दे रहे हैं कि ये समझा जाए कि ये नहीं है, और इसमें से इसको घटाएं तो 6 में से जब 6 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 1 में से 9 नहीं घटेगा तो 1 कैरी लेंगे, यहाँ 11 11 हो जाए, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ 8 बचा है, 8 में से जब 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 2 में से 2 घटा देंगे कुछ नहीं बचेगा, इक्वल टू वहाँ 70x है। और जब x इज इक्वल टू हम निकालेंगे तो ये 70 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 420/70, और 0 से 0 काट देंगे, 7 × 7 7 × 6 = 42, एक्स की वैल्यू आ गई 6, एक्स की वैल्यू 6 आ गई। हमने एक्स क्या माना था, यहां माना था बी डी हमने एक्स माना था, और हमें क्या ज्ञात करना है, ए डी, तो हम ए डी वाला देखेंगे वैल्यू कहां है, ए डी की वैल्यू ये है और ए डी की वैल्यू ये है, तो इन दोनों वैल्यू में कहीं भी आप एक्स की वैल्यू रखें। तो इक्वेशन नंबर वन छोटा है, हम इसी में चलिए रखते हैं, इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर एक में एक्स का मान प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर हम इस प्रकार से लिखें और इसको सॉल्व करें, समीकरण नंबर एक में जब रखेंगे तो 2916 ऋण एक्स की वैल्यू कितनी है 6, तो हम 6 का स्क्वायर लिख दें, एक्स स्क्वायर था, इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करें, 2916 माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 × 36 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करें, ये देखिए इसमें से इसको घटा दें तो घटाइए, 6 में से 6 घटाएंगे 0, और 1 में से 3 नहीं घटेगा तो 11, 11 में से 3 घटाएंगे 8 बचेगा। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ 8 है और 2880 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2880। अब 2880 का हम वर्गमूल निकाल लें, 2880 का वर्गमूल हम निकाल लें। देखिए वर्गमूल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, भागविध से और गुणनखंड विध से। तो भागविध से आप निकालें या गुणनखंड विध से निकालें, निकलेगा सेम ही। चलिए हम आपको गुणनखंड विध से ही समझा दे रहे हैं,
2880 है। चलिए इसको हम निकालते हैं, पहले इसका खंड कर लें, दो से करेंगे तो दो एक कम दो, दो चौकाठ, दो चौकाठ और जीरो, फिर दो सत्ते 14, दो दूना 4, जीरो, फिर दो तिहाई 6, दो छाई 12, जीरो, फिर देखिए दो तिहाई 6 किया तो एक बचा 12 हो गया, दो छाई 12 और जीरो, फिर दो से करेंगे दो एक कम दो और दो अट्ठे 16 और जीरो, दो से करेंगे दो नौ 18 और इस प्रकार से, फिर दो से करेंगे 45, फिर हम करेंगे तीन से 15, फिर तीन से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। तो इस प्रकार से आपको मिला 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5। तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं इस प्रकार से 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, तीन बार आपको मिला है, उसके बाद फिर 3 का स्क्वायर और 5। तो देखिए जिनके स्क्वायर हैं वो तो वर्गमूल से बाहर आ जाएंगे, उनका वर्गमूल निकल जाएगा, तो इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा 2 × 2 × 2 × 3√5। ये अंदर रह जाएगा क्योंकि 5 अकेला है, इसका वर्ग नहीं बन रहा है तो वर्गमूल भी नहीं निकल पाएगा। तो आप देखेंगे 3 × 6 6 × 12 12 × 24 24√5 सेंटीमीटर आ गया। क्या चीज़? AD की लंबाई, शीर्षाभिलंब AD की लंबाई आ गई 24√5 सेंटीमीटर। तो चलिए आप इसको समझ गए होंगे, और मैंने इसको इतना लंबा सिर्फ इसलिए किया है कि आपको कहीं दिक्कत ना आए समझने में, अन्यथा ये शॉर्ट में भी हो सकता था, हम जल्दी से इसको कर सकते थे 4-5 लाइन में ही, लेकिन मैंने इसको इतना लंबा इसलिए किया है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है कि आपको कहीं कोई कठिनाई ना हो। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है। दो संख्याओं का योगफल व गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, हमें क्वेश्चन देखिए, हमने बार बार आपको समझाया है कि मैथ में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हम पहले क्वेश्चन को खूब अच्छे से पढ़ें और समझें। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल व गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, मीन्स योगफल 11 है और गुणनफल 18 है। तो आपको संख्याएँ नहीं दी गई हैं, आप मान लेंगे, माना दो संख्याएँ एक्स व वाई हैं। अब आप सॉल्व कर लें इसी के अकॉर्डिंग,
जो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, तो आप संख्याओं का योगफल मीन्स एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, 11 के बराबर, और संख्याओं का गुणनफल मीन्स एक्स गुणा वाई किसके बराबर है, 18 के बराबर। अब हम देखें, ये तो हमने कर लिया, जो उसमें क्वेश्चन में कहा गया उसके अकॉर्डिंग हमने कर लिया। तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। अब संख्याओं का व्युत्क्रम हम देखेंगे, संख्याओं का व्युत्क्रम, देखिए इसको डायरेक्ट लिख दें, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम मीन्स वन अपान, जिस संख्या का व्युत्क्रम उसको हम एक बटा करके लिख दें, बस हो गया व्युत्क्रम। तो या उल्टा समझिए, एक्स अपान वन है तो वन अपान एक्स हो जाएगा व्युत्क्रम। तो देखिए संख्या हमने एक्स और वाई मानी है, तो इसका व्युत्क्रम होगा वन अपान एक्स, और योग कह रहा है संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, संख्याएं कौन कौन सी है, एक्स और वाई, तो इनका व्युत्क्रम हुआ वन अपान एक्स और वन अपान वाई, और इनका योग तो हमने योग कर दिया, प्लस लगा दिया बीच में, ये हमें ज्ञात करना है। अब हम देख लें इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस एक्स एकम एक्स अपान एक्स वाई एलसीएम होगा। तो देखिए अब चाहे हम एक्स प्लस वाई कहें या वाई प्लस एक्स, इसका अर्थ सेम होगा। जैसे हम दो धन तीन कहें तो दो और तीन पांच होगा, और फिर तीन और दो कहें जोड़िए तीन धन दो, तो भी बात वही होगी। तो हम चाहे x प्लस वाई कहें या y प्लस एक्स, उसका अर्थ सेम होगा। ऐसी दशा में हम देखें y प्लस एक्स या x प्लस वाई की वैल्यू हमें दी गई है कितना, हमने यहां लिखा है 11, इसकी जगह पर हम लिख देंगे 11, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, x गुणा वाई मीन्स एक्स वाई की वैल्यू 18 है, तो 18। तो आपको इनके व्युत्क्रमों का जो योग मिला वो 11 बटा 18 मिल गया, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये सारे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण भी हैं, क्योंकि ये सभी परीक्षाओं में अक्सर इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो देखने में छोटे होते हैं और कुछ बड़े भी होते हैं, लेकिन छोटे प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि थ्री वन एक्स फाइव नौ का अपवर्त्य है, नौ का अपवर्त्य है, जहां एक्स एक अंक है, तब एक्स का मान होगा क्या होगा, ये आपको बताना है, और क्या के लिए इसमें चार विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है वन, और दूसरा विकल्प है थ्री, तीसरा विकल्प है सिक्स, और चौथा विकल्प है नाइन। इस प्रकार से आपको चार विकल्प दिए हैं, इन्हीं में से एक विकल्प सही होगा। तो चलिए देखिए, पहले तो हम चाहे तो ऐसे ही इसको समझ लें कि यदि ये कोई संख्या है जिसमें x कोई अंक है, तो यहाँ
ये जो चार विकल्प दिए गए हैं इन्हीं में से कोई एक अंक हो सकता है, हम इसकी जगह पर कोई अंक रख कर देख लें कि 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं इन चारों में से, जो जिससे विभाजित हो जाए जो रखने पर वही जो है इसके लिए सुटेबल होगा, वही x का वैल्यू होगा, x का मान वही हो जाएगा। या फिर आप ये समझें कि 9 का अपवर्त है ये, अगर ये संख्या 9 का अपवर्त है तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि इसका अपवर्त है तो इसका मतलब 9 से ये विभाजित भी होगी संख्या, क्योंकि 9 का अपवर्त है अतः यह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो जब यह संख्या 9 से विभाजित होगी तो उसके लिए 9 से विभाज्यता के लिए फार्मूला है कि इन संख्याओं के संख्या में जो अंक हैं अंकों का योगफल भी 9 से विभाजित हो कम्प्लीटली। तो संख्या का जो योगफल है वो चलिए ऐसे कर लें, संख्या में जो अंक हैं 3 है प्लस 1 है x है और 5 है, इनका योगफल का मतलब है 3 और 1 4 और 5 9 9 धन x, और ये 9 से विभाजित हो। तो अब आप ये समझिए कि हम x की जगह पर इन चारों में से कौन सी वैल्यू रखें कि ये 9 से विभाजित हो जाए। अब हम देखेंगे हमें 1 दिया गया है, 1 रखेंगे तो 9 एक 10 होगा जो 9 से विभाजित नहीं होगा, और 9 धन 3 अगर x की वैल्यू 3 रख दें तो 9 3 12 हो जाएगा तब भी 9 से विभाजित नहीं होगा, अगर हम 6 रखते हैं तो 9 6 15 हो जाएगा तब भी विभाजित नहीं होगा, और इसकी जगह पर यदि 9 रखते हैं तो 9 धन 9 देखेंगे हम x की वैल्यू जब हम 9 रखेंगे तो x इज इक्वल टू हम 9 रख रहे हैं तो देख रहे हैं कि 9 9 18 हो जाएगा, ये 9 से विभाजित हो जाएगा 9 दूना 18, इसलिए हमारा जो सुटेबल ऑप्शन है x के लिए वो 9 है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इस प्रकार से हम आंसर प्राप्त कर देंगे। तो 9 से विभाज्यता को आपको ध्यान देना होगा कि इसके अंकों का जो योगफल है वो 9 से विभाजित होगा, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि यदि संख्या का अपवर्त दिया गया है तो अपवर्त का मतलब उस अपवर्त से वो संख्या विभाजित होगी। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी इसका 9 सही इसका ऑप्शन है। अब अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा उनका भागफल 35/24 हो तो इनमें से बड़ी भिन्न है, इनमें से बड़ी भिन्न है, और इसके लिए फिर आपको ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, या इनमें से बड़ी भिन्न क्या होगी आप बताइए। देखिए इस प्रश्न को हम इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि इनमें से बड़ी भिन्न क्या होगी, इनमें से छोटी भिन्न क्या होगी, या दोनों भिन्न क्या होंगे, इस प्रकार से भी हम इस प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, यदि दो भिन्नों का गुणनफल इतना है तो दो भिन्न कौन से हैं वो तो हमें दिए नहीं गए हैं, तो हम क्या करें
हम दो भिन्न मान लें कि माना दो भिन्न हैं, माना दो भिन्न क्रमशः x अपॉन y तथा a अपॉन b हैं। चलिए हमने मान लिया। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करें, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें। यदि दो भिन्नों का गुणनफल, तो हम देखें भिन्नों का गुणनफल, तो भिन्न क्या है, x अपॉन वाई गुणा ए अपॉन बी, दोनों का गुणनफल यही होगा। ये कितना है, 14/15 है, बराबर 14/15। क्या हो जाएगा गुणा करने पर, ए एक्स अपॉन बी वाई इज इक्वल टू 14/15, इक्वेशन नंबर 1। अब देखें हम उनका भागफल 35/24 है, उनका भागफल, किनका भागफल, भिन्नों का भागफल, तो भिन्न कौन कौन से हैं, एक्स अपॉन वाई को भाग दे दें ए बटा बी से, तो हमें भागफल प्राप्त होगा, और कितना है 35/24। या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x अपॉन वाई इंटू बी अपॉन ए 35/24, बी एक्स अपॉन ए वाई इज इक्वल टू 35/24, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। चलिए अब हम देखें हमने जो प्रश्न में जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हमने प्राप्त कर लिया। अब हम देखें कि हमारे दो इक्वेशन बन गए हैं, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। इन दो समीकरणों के हिसाब से अब सॉल्व करके हम प्राप्त करेंगे, इन्हीं दो समीकरणों से अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने के लिए ऐसा करें, दोनों समीकरणों का हम गुणा करें। तो हमें देखिए, हमें मान निकालना है, वैल्यू हमें निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है x अपॉन वाई का और a अपॉन बी का। मतलब हमें x की वैल्यू निकले, फिर y की वैल्यू मिले, फिर a की वैल्यू मिले, फिर b की वैल्यू मिले, तो हमारा काम हो जाए। तो दोनों समीकरणों को हम गुणा कर दें, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, ए एक्स अपॉन बी वाई गुणा बी एक्स अपॉन ए वाई इज इक्वल टू इतना गुणा बी एक्स अपॉन ए वाई, समीकरण नंबर 1 गुणा समीकरण नंबर 2 कर रहे हैं, तो समीकरण नंबर 1 की जो वैल्यू है उसको भी लिखेंगे हम, 14/15 गुणा 35/24। इस प्रकार से हम कर लें। अब हम देखेंगे जो कट जाए हम काट दें, ए से ए कट जाएगा और बी से बी कट जाएगा, तो हमें एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, किसी टेबल से हम इसको भी काट दें जो कट जाए, 2 × 7 = 14 और 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 5 × 3 = 15 और 5 × 7 = 35, तो 7 × 49 = 12 × 3 = 36 हमें इससे प्राप्त हुआ। चलो इसको थोड़ा नीचे लिख लें क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, और इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो अपॉन आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49/36 और
जब हम x अपॉन y निकालेंगे तो इस पे वर्गमूल लग जाएगा 49/36। वर्गमूल निकालना मैंने आपको बताया है, 49 का वर्गमूल आएगा 7 और 36 का वर्गमूल आएगा 6, तो 7/6 आ गया क्या x अपॉन y की वैल्यू। x अपॉन y इज इक्वल टू 7/6, एक आपको भिन्न मिल गया। अब x अपॉन y की वैल्यू किसी में भी रख दें, किसी एक इक्वेशन में, तो आपको दूसरा भी मिल जाएगा। x अपॉन y की वैल्यू चलिए हम यहाँ रख दें, या इस समीकरण एक में रखें x अपॉन y की वैल्यू, तो a अपॉन b का भी निकल आएगा। या चाहे आप यहाँ अलग अलग लिखा है, यहीं पे आप देख लें समीकरण नंबर एक, इसी को मान लें चाहे। तो देखिए हम जो है x अपॉन y की जब वैल्यू रखेंगे तो x अपॉन y की वैल्यू क्या रखेंगे, x अपॉन y की वैल्यू 7/6 रखेंगे। समीकरण नंबर एक में हम रख रहे हैं 7/6, यहाँ आप लिख सकते हैं x अपॉन y का मान समीकरण एक में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। चलिए तो ये देखिए x अपॉन y की जगह पे हमने लिख दिया, चाहे ये x अपॉन y आप समझिए, इसकी जगह पे हमने लिखा क्या 7/6, तो बचा क्या a इंटू बी, ए अपॉन बी बचा है इसके साथ गुणा में, a अपॉन बी बचा है, और 14/15 जो था ये हमने लिख दिया। अब इसी को हम सॉल्व कर लें तो a अपॉन बी इज इक्वल टू, ये इधर ऊपर गुणा हो जाएगा और ये नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, तो 14/6/7/15। तो देखिए 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14 और 3 × 6 = 3×5 = 15। a अपॉन बी इज इक्वल टू 2 × 4/5 = 5। ये आपको a अपॉन बी की वैल्यू मिल गई और x अपॉन y की वैल्यू आपको पहले ही मिल चुकी है। तो आप देखेंगे x अपॉन y का जो मान है वो 7/6 है, और 7/6 का मतलब है 6 से इसको भाग दें तो 6 × 6 = 6, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, फिर उसके बाद 10 को हम जब भाग देंगे तो 6 × 6 = 6, और फिर जो है क्या बचेगा 4 बचेगा, फिर 0 चला जाएगा, दशमलव है तो 0 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 6 × 36, फिर 4 बचेगा, फिर 6 × 6, इस तरह आएगा वैल्यू इसका। और इसका जब हम मान निकालेंगे तो 5 से 4 में भाग नहीं जाएगा, अगर भाग देते हैं हम इस प्रकार से देख लीजिए, 5 से 4 को यदि भाग देते हैं तो दशमलव लगाएंगे 40 होगा, 5 × 8 = 40, इस प्रकार से आपको मिलेगा ये 0.8, मीन्स 0.8 आपको मिल रहा है, जबकि यहाँ 1 इतना है, तो 1 भी है कंप्लीट, यहाँ कंप्लीट में क्या है पूर्णांक में 0 है, तो ये वैल्यू बड़ी है, मीन्स x अपॉन y का मान बड़ा है। तो बड़ा जो भिन्न है वो बताना है, हमें बड़ी भिन्न बताना था, तो बड़ी भिन्न है 7/6। हम उत्तर में लिखेंगे बड़ी भिन्न सात बटा छह है। छोटी पूछ रहा है तो छोटी हम बता देंगे, दोनों पूछ रहा है तो दोनों हमने निकाला ही है, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि ये सब परीक्षा में आए हुए भी हैं, तो देख लीजिए आप परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। निम्न में से कौन
सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? इसमें तो भिन्न है। चलिए ठीक, यही लिखा रहने दीजिए। हाँ देखिए, हमें जो भिन्न दिया गया है वो 3/2 है और 4/3 है, 5/6 है, 9/7 है। इनमें से हमें बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न बताने के लिए हम क्या करें, या तो हम एलसीएम लेकर इसको करें, या फिर दूसरा तरीका है कि हम इनको डिवाइड कर लें। तो 2 से आप 3 को डिवाइड करिए, 2 से जब 3 को करेंगे तो 1 बार जाएगा, 2 1 कम 2, और 2 1 कम 2 एक बार गया तो हमने 1 लिखा, उसके बाद 1 बचेगा, दशमलव लगा देंगे तो 10 हो जाएगा, 2 5 10 1.5 आएगा। चलिए अब हम निकाल लें 4/3 का, 3 से भाग देंगे 4 को तो 3 1 कम 3 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 10 को भाग देंगे 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर दशमलव लगाए तो 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 3 9 तो 1.33 आएगा। अब इसी तरह से 5/6 को हम देख लें, 6 से इसको भाग देते हैं, 6 से 5 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, और 6 8 48 तो बचेगा 2, दशमलव लगाए 20 हो जाएगा, 6 3 18 फिर 2 बचेगा, फिर दशमलव लगा, फिर 20 हो जाएगा, 6 3 18 तो आपका दशमलव 8 3 3 3 आता रहेगा। आगे देखिए 9/7 है, 9/7 को सॉल्व करें तो 7 से 9 में हम जब भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 7 1 कम 7 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, और 7 2 14 फिर 6 बचेगा, दशमलव लगा है तो 0 आएगा, 60 हो जाएगा, और 7 8 56 4 बचेगा, फिर 40 हो जाएगा, दशमलव लगा 0 आ जाएगा, 40 हो जाएगा, और 7 5 35। इस प्रकार से आप दशमलव के 2 अंक 3 अंक तक जो भी निकला आपने निकाल लिया, और आगे भी निकलेगा, आगे हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम देखें इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हमें बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या हम देखेंगे कि इसमें तो पूर्णांक है ही नहीं, पूर्णांक के जगह पर 0 है, और इसमें सब में पूर्णांक 1 1 है, तो 1 2 3 3 में पूर्णांक 1 है। तो अब इसके बाद हम दशमलव के बाद देखें, दशमलव के बाद देखते हैं तो यहाँ 5 है जबकि यहाँ 3 है, यहाँ 8 है लेकिन इसमें पूर्णांक नहीं है, जिनमें पूर्णांक है उसमें जो है 2 है, तो इसका मतलब ये 2 है, ये 3 है और यहाँ 5 है, तो यही सबसे बड़ी संख्या हो गई। कौन सी? 3/2 सबसे बड़ी संख्या, भिन्न या संख्या जो भी है। चलिए बहुत आसानी से आप इसको समझ गए होंगे, बहुत कठिनाई इसमें नहीं होती यदि आप इस तरह से कर लें, और फिर एलसीएम लेकर भी करेंगे तो फिर आप एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है। आप देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हम नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम ले रहे हैं, सरलीकरण से है ये, 1/3 का इनवर्स है -1/4 का इनवर्स है और इस पूरे का होल इनवर्स है। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया है, आप कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए देखिए, इसको सरल कीजिए या इसका हल आप ज्ञात करें क्या होगा। तो ब्रैकेट को ऐसे लगे रह दें, मझला ब्रैकेट जो है ये, इसको हम लगा रहने दें कर्ली ब्रैकेट को, और अंदर वाले पहले स्मॉल ब्रैकेट को, पहले छोटे ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। तो छोटा कोष्ठक जो है उसके अंदर है 1/3 का इनवर्स, इनवर्स का मतलब उल्टा, मीन्स 1/3 को 3/1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस
इसको जब इन्वर्स करेंगे, इसका इन्वर्स है तो इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 4/1, मीन्स 1 नीचे नहीं लिखा जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब इस प्रकार से हमें ज्ञात हो जाएगा 3 में से जब 4 घटाएंगे तो 4 तो घटेगा नहीं, तो -1 आंसर आएगा, -1 का इन्वर्स। -1 का जो इन्वर्स होगा, देखिए अभी जो ये है ये -1/1 है, और जब इसको हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो हो जाएगा 1/-1, और जब 1/-1 होगा तो ये माइनस साइन फिर ऊपर चला जाएगा और हो जाएगा -1। इस प्रकार से हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो होगा -1। आसानी से आपको आंसर प्राप्त हो गया है, घातांक के नियम आपने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व करेंगे। और इन्वर्स इंग्लिश में उसको बोलते हैं आप, जो -1 है इन्वर्स के अकॉर्डिंग भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो बस हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा, -1 हमारा उत्तर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सब तरह के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, छोटे भी आते हैं सरल करने के लिए और बड़े भी आते हैं, चित्र वाले भी आते हैं, रेखागणित से भी और वैसे भी आते हैं, आपके अंकगणित से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, रेखागणित से 2-3 क्वेश्चन इससे भी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले संख्या संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% घटा दिया जाता है या कम कर दिया जाता है। अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए, पहले क्या करते हैं, संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% घटा दिया जाता है। तो संख्या जो है वो 350 हमें दिया गया है और इसका जो है 20% बढ़ाया जाता है, तो आप इस प्रकार से नोट कर लेंगे 20% ये बढ़ गया, फिर उसी का जो है 20% कम कर दिया जाता है या घटा दिया जाता है अपॉन 100। तो इस प्रकार से आपको मिल गया। अब इसी को आप सॉल्व कर लें, 350 गुणा 120 बटा 100 गुणा 80/100, 10 दूसरा 0 से ये कट गया। अब देख लें, 10 से इस 0 को काट दें और 5 7 35, 5 2 10, 2 1 2, 2 6 12, 12। अब इसको हम गुणा कर लें, वो नीचे कुछ बचा नहीं है, तो 7 6 42, 42 में 8 से गुणा करें, 8 2 16, 8 4 32 और 1 33, 336 हमें प्राप्त हुआ। अंततः हमें देखिए, अभी हमें निकालना क्या है, अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत।
तो हमें जो प्राप्त हुआ वो संख्या प्राप्त हुई 336, इतना करने पर हमें प्राप्त हुआ 336। तो अब हम देखें कि ये जो अंक हमें जो प्राप्त हुआ है ये पहले वाले से ज़्यादा है कि कम है। कम है तो कमी कितनी हुई है, कमी कितनी हुई है, 350 में से 336 को हम घटा दें तो 14 आ गया। 14 की कमी हुई है, पहले 350 था अब हो गया है 336, तो हो गई 14 की कमी। लेकिन हमें बताना है कि जो कमी हुई है कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कमी का प्रतिशत इज इक्वल टू 14/350 था और 100 आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रतिशत निकल आएगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करें, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14 और 2 × 2 = 4, 4% हमें कमी, सॉरी 4 लिखना चाहिए, हम 2 लिख दिए, 4% की कमी हमें यहाँ मिल रही है। तो 350 में यदि 350 का यदि 20% बढ़ाया जाए और पुनः 20% घटा दिया जाए तो जो प्रतिशत कमी होगी वो होगी 4%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, दो संख्याओं का योग 36 है उनके मासा तथा लासा क्रमशः है। तीन और 105 हैं, उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 100 होगा। तो चलिए हम प्रश्न के अनुसार इसे सॉल्व करें। प्रश्न में हमें दिया गया है दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मासा तथा लासा हमें क्रमशः दिए गए हैं। प्रश्न तो सही लिखा है ना, दो संख्याओं का मासा 36 है, ठीक है, उनके मासा व लासा 3 और 105 है। तो चलिए देखिए, हमें जो मासा और लासा दिया गया है, दो संख्याओं का योग हमें 36 दिया गया है और उनके मासा तथा लासा 3 और 105 हैं, तो हमें ये ध्यान देना है कि जो मासा और लासा दिया गया है इन्हीं से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है। इस तरह का मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया था इसके पहले वाले वीडियो में। तो चलिए हम देख लें, जो हमें मासा दिया होता है उस मासा से ही हम संख्याओं को मान लेते हैं। माना संख्याएं
3x व 3y हैं। मासा के अकॉर्डिंग हम मान लेंगे 3x और 3y है। अब हम देखें प्रश्न के अनुसार करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार संख्याओं का योग थर्टी सिक्स है। तो संख्याएं हमने क्या मानी है, 3x और 3y, मीन्स 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। और जब इनसे हम 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये अपॉन में आ जाएगा इधर डिवाइड में, और 3 एक कम 3, 3 दूना 6, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 12। अब आप देखिए इनके लासा कितने है, कितना है 105। अब लासा के अकॉर्डिंग हम देखें, दो संख्याएं हमें 3x और 3y हैं, तो संख्याओं का लासा क्या होगा, संख्याएं क्या हैं 3x और 3y, 3x और 3y का लासा, चलिए देख लीजिए 3x और 3y का आप जब लासा निकालेंगे तो आप देखिए 3 से जब करेंगे डिवाइड तो x हो जाएगा और y हो जाएगा, फिर x से करेंगे तो x हो जाएगा और y फिर रह जाएगा, फिर y से जब भाग करेंगे तो इस प्रकार से हमें क्या मिलेगा 3x इंटू वाई मीन्स 3xy। तो लासा जो हमें मिला वो 3xy मिला है, और लासा हमें कितना दिया गया है 105। हमने लासा की जगह पर 105 लिखा, मतलब इसके बराबर 105 है, तो xy बराबर क्या हो जाएगा 105 बटा 3, 3 का 9 और 1 बचेगा 15, 3 पंजे 15, तो xy इज इक्वल टू आपको मिल गया है 35। अब आपको क्या करना है, उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सेकंड कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही है, जैसा उसमें दिया था वैसा लिख रहे थे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे हम देखते हैं संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, संख्या जो है वो 3x और 3y है, इसका व्युत्क्रम मैंने ही अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि 1 अपॉन में हम कर देंगे और इनका योग तो 1 अपॉन 3y इस प्रकार से हो गया। अब इसको जरा हम जब सॉल्व करेंगे, थोड़ा और इधर लिख लें, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 3xy और 3x से जब इसको डिवाइड करेंगे तो y बार जाएगा और y से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा, प्लस 3y से जब इसको डिवाइड करेंगे 3 और y कट जाएगा तो x बार जाएगा, x बचेगा तो x से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे x बन जाए x, और x प्लस y या y प्लस x अपॉन 3, इतना तो हुआ ही है, इसको दोबारा क्या फ़ायदा लिखने से। चलिए अब हम देखें इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना मिल जाएगा हमें, और हमको जो प्राप्त हुआ है वो देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू 35 है और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है। तो एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स सेम वैल्यू होगा, 3 × 2 या 2 × 3 का मैंने आपको एग्जाम्पल अभी समझाया था। तो चाहे हम एक्स में वाई जोड़ें या वाई में एक्स जोड़ें, बात वही है। तो एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स ये अब हम 12 लिख सकते हैं और एक्स वाई की जगह पर 35 लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 12 अपॉन 3 इंटू एक्स वाई है, एक्स वाई की जगह पर लिखेंगे 35। तो देखिए आगे इसको हम सॉल्व करें,
आगे जब इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 मीन्स 4/35। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का जो योग आएगा वो 4/35 आएगा। हमें संख्या प्राप्त हो गई जो हमें ज्ञात करना था। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग हमने ज्ञात किया, 4/35 हमें प्राप्त हो गया। तो देखिए क्वेश्चन जो हैं वो बहुत कठिन नहीं होते हैं जो आपके परीक्षाओं में आते हैं, लेकिन ये कि इनको जैसा प्रश्न में कहा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होता है। हम अगर क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें समझें तब उसको सॉल्व करें तो हम आसानी से उसको कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की तो आवश्यकता है ही, क्योंकि मैथ में तो बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब लगातार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो दिमाग में क्वेश्चन को देखने पर समझ में आ जाता है कि हम क्या करें, अन्यथा दिमाग में यही नहीं आता कि हम करें क्या। लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, अच्छे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करते रहेंगे, तो उस तरह के जब क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आप तुरंत उनको समझ जाएंगे कि हमको ये करना है। तो देखिए मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि आपको जो भी प्रश्न मैं समझाऊँ या बताऊँ वो सारे के सारे अत्यंत महत्वपूर्ण हो और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो। ये आपका BEO या SSC या रेलवे, बैंक या टेट, किसी भी परीक्षा के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैंने अभी सॉल्व कराए हैं। और इसी तरह से हम अपने अगले प्रैक्टिस सेटों में लाते रहेंगे। BEO के लिए मैंने अपना प्रैक्टिस सेट दिया है, आप उस प्रैक्टिस सेट को देखना शुरू करें और उस प्रैक्टिस सेट से आपको लाभ मिलेगा, जिसमें आपको इसके अलावा मैथ के अतिरिक्त, क्योंकि मैथ जो है जो मज़ा है बोर्ड पर सॉल्व करने में, वो वैसे कुछ ऑरली बता देने में नहीं समझ में आता है। तो देखिए मैथ को हम बोर्ड पर आपको समझा रहे हैं BEO के लिए, और BEO के लिए मैंने जो प्रैक्टिस सेट बनाया है आप उसको देखें, उसमें इतिहास, भूगोल और करंट अफेयर्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप यदि देखते रहेंगे तो अवश्य ही आपकी परीक्षा के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Thank you.